Let's read a very interesting story of class 8, chapter 7, English Literature Reader Book. It's titled Adventure at Toad Hall. Now, Toad ke hall mein kya adventure hota hai? Kya aisa cheez hai jo ki bahaduri bhara kaha ja raha hai is story mein? To understand it, we have to read the chapter. So let's do that first. Ratty and his neighbor, Mole, were enjoying the warm sunshine on the river bank. Ratty aur uska padosi Mole, dono hi सुनहरी धूप इंजॉय कर रहे थे नदी के किनारे बैठे बैठे. सो रैटी, व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट टुडे टॉडी? आज तुम कब टॉडी से विजिट करने जा रहे हो? मैंने इतना कुछ सुन रखा है उसके बारे में और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उससे एक्विंटेंस भी करूँ, मैं उससे जान पहचान भी बढ़ाऊँ, मोल कहता है. वाई सर्टनली, सेड गुड नेचर्ड रैटी जंपिंग टू हिज फीट. और रैटी बिल्कुल ऐसे जैसे वो तैयार हो गया, वो कहता है कि चलो अभी चलो. Get the boat out, बोट बाहर निकालो, and we will paddle up there at once. और हम अभी ही पैडल करके वहाँ तक चले जाएंगे. It's never the wrong time to call on Toady. Toady से मिलने का ये गलत समय नहीं है. सुबह हो या शाम हो, जल्दी हो या लेट हो, he is always the same fellow. वो हमेशा वैसा ही रहता है, हमेशा good tempered, हमेशा तुमसे मिलकर खुश होने वाला और हमेशा sorry feel करने वाला जब भी तुम उससे अलग हो जाओगे. He must be a very nice animal, observed Mole. Mole इतना सब कुछ सुनकर कहता है कि वो जरूर एक अच्छा एनिमल होगा. और जब वो बोट में बैठा तो उसने नाव खेने वाली जो लकड़ी होती है, जिसमें चप्पू भी कहते हैं, ओर्स उसने खुद के हाथों में ले ली. Now the meaning of oars is the stick which is used to row the boat. While Ratty settled himself comfortably in the stern, जबकि Ratty खुद को आराम से नाव में बैठाए रखता है. Then we see he is indeed the best of animals, replied Ratty. Ratty कहता है कि वो सच में सबसे बेहतरीन एनिमल है. इतना सिंपल, इतना affectionate. शायद वो ज़्यादा clever नहीं है, लेकिन हम इसे जिसकी इसे genius भी नहीं कह सकते. और it may be that he is both boastful and conceited. हालांकि ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा boastful है, थोड़ा अपनी बड़ाई करने, अपनी बड़ाई सुनने वाला है और कभी कभी अपनी ही बात करता है. ही इज़ कंसीटेड, बट ही हैज़ गॉट सम ग्रेट क्वालिटीज़ आवर टॉडी. तो हमारे टॉडी में कुछ ग्रेट क्वालिटीज़ भी हैं. दे केम इन साइट ऑफ अ हैंडसम डिग्निफाइड ओल्ड हाउस ऑफ मेलोड रेड ब्रिक. तभी उनके सामने एक बड़ा सा पुराना खूबसूरत ईंटों से बना हुआ, रेड ब्रिक से बना हुआ एक पुराना घर दिखाई देता है, जिसका कि लॉन काफ़ी रिचली मेंटेन्ड है और वो नदी के बिल्कुल किनारे पे है. देयर स्टोर हॉल, सेड रैटी. रैटी कहता है कि वो रहा टोड का हॉल. एंड दैट क्रीक ऑन द लेफ्ट, और वो जो छोटी सी नदी है उसके लेफ्ट में, जहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लिखा है, उस नोटिस बोर्ड पे लिखा है प्राइवेट, कि ये प्राइवेट है, नो लैंडिंग अलाउड, यहाँ पे लैंडिंग अलाउड नहीं है. और वो छोटी सी नदी है वो लीड्स टू हिज बोट हाउस, वही उसके बोट हाउस तक जाती है. वेयर वी विल लीव द बोट, जहाँ हमें अपने नाव को छोड़ना पड़ेगा. टोडी इज़ रिच यू नो, एंड दिस इज़ रियली वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउसेज इन दिस पार्ट्स. तुम्हें तो पता ही है कि टोडी काफ़ी अमीर है और ये इस हिस्से के सबसे नाइसेस्ट, सबसे बढ़िया मकानों में से एक है. दो वी नेवर एडमिट एज मच टू टोडी, हालांकि वो टोडी जितना मायने नहीं रखता. दे ग्लाइडेड अप द क्रीक, वो उस छोटी सी नदी से होकर, साइड नदी से होकर चले गए. And Mole shipped his oars as they passed into the shadow of a large boat house. और वहीं पर Mole ने अपनी नाव को रेस्ट दिया एक बड़े से लार्ज बोट हाउस के शेडो में, एक बड़े से लार्ज बोट हाउस की परछाई में. Here they saw many handsome boats turned upside down but none in the water. यहाँ वो देख रहा था कि कई सारी handsome boats जो थी वो पलट कर रखी गई थी, कोई भी पानी में नहीं था. हालाँकि The place had an unused and deserted air about it. इस प्लेस में बिल्कुल थोड़ा deserted air, मतलब बिल्कुल जैसे कि वो एकांत सा जगह हो और unused, जो कभी यूज़ नहीं करता हो, वैसा कुछ माहौल था वहाँ पर. Ratty looked around him. Ratty उसकी तरफ देखता है, कहता है he seems tired of boating. मुझे लगता है कि वो नाव चलाते, नाव की सफ़र से बिल्कुल थक चुका है. I wonder what new fad he has taken up now. तो रैटी कहता है कि इतने सारे पलटे हुए नाव देखकर तो लगता है जैसे कि उसने नाव चलाना छोड़ दिया है, अब उसका इसमें शौक नहीं रहा. शायद उसने कोई न्यू फैड,
न्यू फैड मतलब कोई न्यू वो कोई न्यू फैशन उसने अपना लिया है, उसने कुछ नया करने की सोच रखी है। कम अलॉन्ग एंड लेट्स लुक हिम अप, चलो आओ और उसे देखते हैं। वी शैल हियर ऑल अबाउट इट सून इनफ, हम इस सबके बारे में जल्दी ही सुन लेंगे उसी से। दे डिसम्बार्क्ड, और वो इतना कहकर वहाँ से, डिसम्बार्क मीन्स टू गेट आउट ऑफ अ व्हीकल और कोट तो क्राफ्ट, तो वो अपनी नाव से उतर पड़े एंड स्ट्रॉल्ड अक्रॉस द गे फ्लावर्ड डेकेड लॉन्स इन सर्च ऑफ टोडी, और वो अपनी नाव से उतरकर चहलकदमी करने लगे। स्ट्रॉल्ड मीन्स चहलकदमी करना, और वो उस गे मतलब एक ऐसा फ्लावर डेकेड लॉन था जो बिल्कुल शांत, बिल्कुल आलस से भर जा रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, और उसमें वो टोडी की सर्च में निकल पड़ते हैं, जो कि उन्हें मिलता है एक विकर गार्डन चेयर में। आपने देखा होगा लाइक इन द अर्लियर डेज देयर वर चेयर्स यूज्ड टू बी ऑफ द वुड, और वो काफ़ी महीन बने होते थे, उनमें हल्का हल्का गैप भी होता था। लाइक दोज चेयर्स आर कॉल्ड विकर चेयर्स, आराम के लिए ही वो कुर्सियाँ बनी होती थी, बट नॉट लाइक ऑर्डिनरी चेयर्स, बल्कि थोड़े अलग किस्म के। अ लार्ज मैप स्प्रेड ऑन हिज नीज, अब वो बैठा है अपने गार्डन चेयर पे और एक बड़ा सा मैप उसके घुटने पर रखा है, जहाँ पे वो देख रहा है और कुछ निशान भी लगा रहा है रूट्स पे अपनी पेंसिल से। हुर्रे ही क्राइड जंपिंग अप ऑन सीइंग देम, उन्हें देखकर वो बिल्कुल खुशी में कूद पड़ता है और कहता है दिस इज स्प्लेंडेड, मतलब ये शानदार है, स्प्लेंडेड मीन्स शानदार। ही शुक द पॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, उसने दोनों से ही हाथें मिलाई, नॉट वेटिंग फॉर एन इंट्रोडक्शन टू मोल, और बिना इस बात की परवाह किए कि वो मोल से पहली बार मिल रहा है, उसने उसका भी खूब वार्म वेलकम किया। हाउ काइंड ऑफ यू टू कम, कितना अच्छा हुआ तुम्हारा आना। ही वेंट ऑन डांसिंग राउंड देम, और वो बिल्कुल उनकी तरफ घूम रहा था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सेंड अ बोट डाउन द रिवर फॉर यू, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक नाव भेजने ही वाला था, विथ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, इन स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के साथ कि तुम्हें सीधा यहाँ लाया जाए। वट एवर यू वर डूइंग, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें मैं सीधा यहाँ बुलाने वाला था। आई वॉन्ट यू बैडली, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बोथ ऑफ यू। नाउ वॉट विल यू टेक, और तुम क्या लेना चाहोगे। कम इनसाइड एंड हैव समथिंग, चलो आओ भीतर और कुछ लो। यू डोंट नो हाउ लकी इट इज़ यू आर टर्निंग अप जस्ट नाउ, तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा आना कितना लकी है, तुम लोगों का अभी यहाँ पर आना कितना लकी है मेरे लिए। लेट्स सिट अ बिट टोरी, सेड रैटी, रैटी कहता है कि चलो थोड़ी देर बैठा जाए। थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू एन ईजी चेयर, वो आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। वाइल मोल टुक अनदर बाय द साइड ऑफ द हिम एंड मेड सम सिविल रिमार्क अबाउट टोडीज डिलाइटफुल रेसिडेंस, और वो मोल रैटी के बगल में बैठकर उसके घर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें करता है, सिविल रिमार्क, अच्छी बातें करता है। फाइनेस्ट हाउस ऑन द होल रिवर, क्राइड टोडी, टोडी कहता है कि मेरा जो घर है वो इस रिवर के साइड का सबसे बेस्ट घर है, बॉयस्ट्रसली मतलब थोड़ा घमंड में, और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर ही कुड नॉट हेल्प एडिंग, और वो कहता है कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि हर जगह, हर जगह आप देखिएगा, हर जगह से अच्छा मेरा ये घर है। रैटी नगेड मोल, रैटी ने मोल को कहनी लगाई। अनफॉर्चुनेटली टोडी सॉ हिम डू इट, टोडी ने ऐसा करते हुए देख लिया और टर्न्ड वेरी रेड, और वो बिल्कुल गुस्सा हो उठा। देयर वाज अ मोमेंट्स पेनफुल साइलेंस, और कुछ देर तक तो वहाँ पर बिल्कुल शांति फैल गई। देन टोडी बर्स्ट आउट लाफिंग, तो टोडी हंस पड़ा और कहता है ऑल राइट रैटी ही सेड इट्स ओनली माई वे, ये तो मेरा तरीका है यू नो, एंड इट्स नॉट सच अ वेरी बैड हाउस इज इट, तो वो बात को कहते हुए जब रैटी को लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो वो कहता है कि यही तो मेरा तरीका है, और ये कुछ ज़्यादा मेरा घर बुरा भी नहीं है, है क्या, यू नो यू रैदर लाइक इट योर सेल्फ, आप खुद देख लो, आपको ये खुद ही पसंद आएगा। नाउ लुक हियर, चलो यहाँ देखो, लेट्स बी सेंसिबल, यू आर द वेरी एनिमल्स आई वॉन्टेड, तुम वही जानवर हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत महसूस कर रहा था। यू हैव गॉट टू हेल्प मी, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। इट्स अबाउट योर रोइंग आई सपोज, सेड रैटी विद एन इनोसेंट एयर, यू आर गेटिंग ऑन फेयरली वेल, वो कहता है कि क्या ये रोइंग के बारे में है, मुझे लगता है कि ये रोइंग नाव चलाने के बारे में ही है। और
इनोसेंट डेयर मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना है, मतलब वो नासमझ की तरह पहले ही ऑफर दे पड़ता है कि क्या वो नाव चलाने के बारे में है। ओपू बोटिंग, इंटरप्टेड टोडी। टोडी कहता है कि ओ बोटिंग भला कौन करे अब, इन ग्रेट डिस्कस्ट, थोड़ा सैड होकर के। सिली बॉयश अम्यूजमेंट, वही बच्चों वाली हरकतें। आई हैव गिवन दैट अप लॉन्ग अगो, मैं तो उसे पहले ही छोड़ चुका, बहुत पहले छोड़ चुका। शीयर वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे दोस्त, दैट्स वॉट इट इज। नो आई हैव डिस्कवर्ड द रियल थिंग, अभी तो मुझे कुछ नया, कुछ असली चीज़ मिला है। द ओनली जेन्युइन ऑक्यूपेशन फॉर अ लाइफ टाइम, ये तो कुछ ऐसा है जैसा कि जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकूँ। कम विथ मी योर रैटी एंड योर एमिएबल फ्रेंड ऑल्सो, और अपने जिगरी दोस्त को भी ले आओ अपने साथ। इफ़ यू विल बी सो वेरी गुड जस्ट एज फॉर द यार्ड एंड यू शैल सी वॉट यू शैल सी। तो जैसा वो हार्ड, जैसा वो यार्ड में अच्छा बना पड़ा बैठा था, उसी तरीके से वो अब सब कुछ देखेगा। यू शैल सी वॉट यू शैल सी, मतलब जो तुम्हें देखने के लायक है वो तुम्हें दिखाई देगी। ही लेड द वे टू द यार्ड अकॉर्डिंगली, और वो यार्ड का रास्ता दिखा रहा था। रैटी फॉलोइंग विद अ मोस्ट मिस्ट्रस्टफुल एक्सप्रेशन, और रैटी उसे फॉलो कर रहा था एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जो कि बिल्कुल मिस्ट्रस्टफुल था, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एंड देयर इन द ओपन दे सॉ अ जिप्सी कैरावन, और वहीं उन्हें दिखता है एक जिप्सी। जिप्सी मतलब जो घूमता फिरता हो, तो कैरावन एक कैरावन था जो कि जिस पर इंसान घूम सकता था। शाइनिंग विथ न्यूनेस, वो बिल्कुल चमक रहा था, उस पर कैनरी येलो कलर था इसका। कैनरी इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, तो कैनरी बर्ड जैसा येलो चमक रहा था, और इसके जो पहिए थे वो ग्रीन और रेड कलर के थे। लाइक दिस पिक्चर यू कैन सी। देन वी सी देयर यू आर, क्राइड टोडी स्वेलिंग विथ प्राइड। अब टोडी ऐसा कहते वक्त गर्व से फूल रहा था। स्वेलिंग, स्वेलिंग आप जानते ही हो, स्वेलिंग मीन्स फूलना, तो वो गर्व से फूल रहा था। दिस इज़ रियली लाइफ फॉर यू, वो कहता है कि ये तो जैसे कि ज़िंदगी है। एम्बॉडीड इन द लिटिल कार्ट, और इसके भीतर जो है वो तो लाइफ है। द ओपन रोड, द डस्टी हाईवे, द रोलिंग डाउन्स, कैंप्स, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, क्या नहीं है इसमें। आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, चाहे वो ओपन रोड हो, डस्टी हाईवे हो, रोलिंग डाउन्स हो, कैंप्स, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़। हियर टू डे अप एंड ऑफ टू समवेयर एल्स टूमोरो, आज जाना है तो आज जाओ, या फिर कल किसी और काम को। ट्रेवल चेंज इंटरेस्ट एक्साइटमेंट, कहता है कि ट्रेवल यात्रा करना बदलाव, इंटरेस्ट एक्साइटमेंट। द होल वर्ल्ड बिफोर यू, पूरी दुनिया आपके पीछे। एंड होराइजन दैट्स ऑलवेज चेंजिंग, और जो आसमान है, जो क्षितिज है, वो हमेशा ही बदलता हुआ। बिकॉज यू हैव गॉट टू विजिट सो मैनी प्लेसेज ऑन दिस कैरावन, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव एवर गॉट। एंड माइंड, और हाँ इस बात का भी ध्यान रखना कि जस्ट होल्ड, दिस इज द फाइनेस्ट कार्ट ऑफ इट्स काइंड दैट वाज एवर बिल्ट, और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये अपनी तरह का फाइनेस्ट कार्ट है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इस बात की। कम इनसाइड एंड लुक एट द अरेंजमेंट्स, चलो भीतर आओ और देखो कि इसके भीतर क्या अरेंजमेंट्स हैं। प्लान देम ऑल माईसेल्फ, मैंने ये सब कुछ खुद ही प्लान किया है। मोल वॉज ट्रिमेंडसली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड, अब मोल जो था वो बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत एक्साइटेड था। एंड फॉलोड हिम ईगरली अप द स्टेप्स एंड इन टू द इंटीरियर ऑफ द कैरावन, और वो उत्सुकता से उसके पीछे जाता है। रैटी ओनली स्नॉटेड एंड थ्रस्ट हिज हैंड्स डीप इन टू हिज पॉकेट्स, रिमेनिंग वेयर ही वॉज। तो रैटी अभी सिर्फ घूर रहा था और अपने हाथों पे यकीन कर रहा था। थ्रस्ट हिज हैंड्स, और अपने पॉकेट्स में, इट्स थ्रस्ट, आई रेड इट ट्रस्ट, सॉरी, तो उसने पॉकेट्स में अपने हाथों को डाल लिया। जहाँ पे वो खड़ा था वो वहीं पे खड़ा था। सो इट गिव्स अ इम्प्रेशन कि रैटी को टोडी के बॉयस्ट्रस बिहेवियर पे का अंदाज़ा है। एंड परहैप्स दे बोथ न्यू ईच अदर्स, तो दे लुक क्वाइट श्रीउट, दोनों थोड़े चालाक भी लग रहे हैं। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी फर्दर। इट वॉज इंडीड वेरी कॉम्पैक्ट एंड कम्फर्टेबल, वो सच में काफ़ी कॉम्पैक्ट और कम्फर्टेबल था। लिटिल स्लीपिंग बंक्स, छोटे छोटे सोने के जगह भी बन पड़े थे। अ लिटिल टेबल दैट फोल्डेड अप अगेंस्ट द वॉल, एक छोटा सा टेबल भी था जो कि दीवार पे फोल्ड हो जाता था। उसमें एक कुकिंग स्टोव भी था, कैबिनेट्स भी थी, बुकशेल्फ्स भी था,
बर्ड की पिंजला भी था, उसमें एक बर्ड भी थी, एंड पॉट्स पैंस जग्स एंड केटल्स ऑफ एवरी साइज एंड वैरायटी, और उसमें हर साइज और वैरायटी के बर्तन भी थे, ऑल कंप्लीट, से टोडी ट्रियम्फेंटली। टोडी ट्रियम्फेंटली मतलब जैसे कि पूरी खुशी के साथ, पूरे जोश के साथ, वो कहता है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट है, और एक कैबिनेट को खोलकर कहता है, यू सी बिस्किट्स फिश जैम बटर एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली बन, इसमें हर कुछ है, बिस्किट्स से लेकर के जैम और बटर तक, लेटर पेपर कार्ड्स एंड डोमिनोज। ही कंटिन्यूड एज द डिसेंडेड द स्टेप्स यू विल फाइंड दैट नथिंग वॉट एवर हैज़ बीन फॉरगॉटन व्हेन वी मेक आवर स्टार्ट दिस आफ्टरनून। वो कहता है कि तुम ऐसा देख सकते हो कि इसमें कुछ भी है जो छूटा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छूट गया हो। आई बेग यू पार्डन सेड रैटी स्लोली एज ही च्यूड अ स्ट्रॉ। तो रैटी कहता है कि माफ़ करना मुझे, बट डिड आई ओवर हियर यू से समथिंग अबाउट वी एंड स्टार्ट एंड दिस आफ्टरनून, जिसकी शुरुआत हमने की है इस आफ्टरनून। नाउ नाउ यू डियर ओल्ड रैटी से टोडी। अब टोडी कहता है कि नाउ नाउ यू डियर ओल्ड रैटी इम्प्लोरिंगली, वो उसे दबाव देकर कहता है, डोंट बिगिन टॉकिंग इन दैट स्टिफ एंड स्टफी शॉर्ट ऑफ वे। अब इसको इस तरह से बातें मत करो, बिकॉज यू नो वी हैव यू गॉट टू कम, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ आना था। आई कॉन्ट पॉसिबली मैनेज विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ये मैनेज कर भी नहीं पाता, सो प्लीज़ कंसिडर इट सेटल्ड एंड डोंट आर्ग्यू। और अब बहस मत करो, मान के चलो कि तुम यहाँ पर इसी काम के लिए आए हो। इट इज़ द वन थिंग आई कॉन्ट स्टैंड, ये वही चीज़ है जिसका कि मैं जिसको रोक नहीं सकता। यू श्योरली डोंट मीन टू स्टिक टू योर डल फस्टी ओल्ड रिवर ऑल योर लाइफ। यू श्योरली डोंट मीन टू स्टिक टू योर डल फस्टी ओल्ड रिवर ऑल योर लाइफ। मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते पूरी लाइफ अपने उसी डस्ट और धूल भरे नदी के पास लाइफ बिताना, एंड जस्ट लिव इन होल इन अ बैंक एंड बोट, और बस उसी नाव और उसी बैंक में। आई वॉन्ट टू शो यू द वर्ल्ड, मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ। आई डोंट केयर सेड रैटी डॉगडली। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा, एंड दैट्स फ्लैट, सीधी बात है, मैं नहीं आ रहा, एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू माई ओल्ड रिवर, और मैं अपने पुराने नाव में ही जा रहा हूँ, एंड लिव इन अ होल, और मैं छोटे से होल में ही रहने वाला हूँ, एंड बोट एज आई हैव ऑलवेज डन, एंड व्हाट्स मोर, मोल इज गोइंग टू स्टिक टू मी एंड डू एज आई कैन डू, aren't you मोल। और वो ये भी देख रहा है कि उसका मोल फ्रेंड जो है वो टोडी की बातों में आ रहा है। टोडी चाहता है कि वो उनसे ही अपना कैरावां खिंचवाए और उनसे ही काम ले। तो रैटी इस बात को समझ चुका है और वो मोल को समझा रहा है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। aren't you मोल, ऑफ कोर्स आई एम सेड मोल। मोल कहता है कि बिल्कुल लॉयली आई विल स्टिक टू यू, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, एंड व्हाट यू से इज टू बी, और जो तुम कहोगे वही होगा, हैज़ गॉट टू बी, और वही होना भी चाहिए। ऑल द सेम इट साउंड्स एज इफ इट माइट हैव बीन वेल रैदर फन, यू नो, ऐसा कुछ लगता है जैसे कि ये कुछ फन है, ऐसा होना चाहिए था। ही एडेड विस्टफुली, पुअर मोल, द प्रॉस्पेक्ट वॉज सो न्यू अ थिंग टू हिम। बेचारा मोल, ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया सा है, एंड सो थ्रिलिंग, एंड द कैनरी कलर्ड कार्ट एंड ऑल इट्स लिटिल फिटमेंट्स सेंट हिज इमेजिनेशन सोरिंग। रैटी सॉ व्हाट ही वॉज पासिंग इन हिज माइंड। रैटी देख रहा था कि उसके दिमाग में क्या जा रहा है, क्या पास हो रहा है, एंड वेवर्ड, और वो थोड़ा हिचकिचाता है कि वो डिसीजन ले या ना ले। ही हेटेड डिसअपॉइंटिंग पीपल, उसे एक बात पसंद नहीं थी कि वो लोगों को निराश नहीं करता था, एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ मोल, और फॉन्ड उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी था, एंड वुड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू ऑब्लाइज हिम, और वो उसे खुश करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। टुडे वॉज वॉचिंग बोथ ऑफ देम क्लोजली, टोडी जो था वो उन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था कि कैसे पुअर मोल उसकी बातों में आ चुका है, और क्योंकि पुअर मोल उसकी बातों में आ चुका है तो, और वो उस कैरावे का मज़ा लेना चाहता है, तो अब रैटी नहीं चाहता कि वो उसे निराश करे, क्योंकि ऐसी उसकी हैबिट नहीं है, तो वो मोल को खुश रखने के लिए अब उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है। कम अलॉन्ग इन एंड हैव सम लंच, चलो भीतर आओ थोड़ा लंच कर लो। ही सेड डिप्लोमेटिकली
एंड वी विल टॉक ओवर इट, इसे हम बाद में देखेंगे। वी नीड नॉट डिसाइड एनीथिंग इन अ हरी, हम कुछ भी जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करते। ऑफ कोर्स आई डोंट रियली केयर, और मुझे परवाह भी नहीं है। आई ओनली वॉन्ट टू गिव प्लेजर टू यू फेलोज, मैं तो बस तुम दोनों को मज़ा देना चाहता हूँ। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो, दैट्स माई मोटो इन लाइफ, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। द थ्री ट्रूप्ड इनटू टोडी हॉल, अब तीनों ही टोडी हॉल में गए, वेयर टोडी लैविश्ड हिज हॉस्पिटैलिटी ऑन हिज गेस्ट्स, जहाँ पे कि टोडी ने अपने गेस्ट्स के ऊपर सारी हॉस्पिटैलिटी, मतलब सारा आतिथ्य, अतिथि का स्वागत जो होता है, उसने पूरी तरह से उस पर बिखेर दिया, न्यौछावर कर दिया। अ लिटिल लेटर द न्यू ट्रियम्फेंट टोडी लेड हिज कंपेनियंस टू द कार्ट, अभी थोड़ी देर बाद जो ट्रियम्फेंट मतलब जो काफ़ी खुश टोडी था, वो अपने फ्रेंड्स को कार्ट की तरफ ले जाता है। विथ रैटी एट द रेन्स, फॉर ही वॉज वेरी गुड विथ हॉर्सेज, द सेट ऑफ लीजरली ऑन द ओपन रोड, दे एंगेज इन प्लीजेंट कन्वर्सेशन अबाउट द पॉसिबल एडवेंचर्स दैट अवेटेड देम। अब टोडी के साथ बातें चल रही हैं कि वो अपने पॉसिबल एडवेंचर्स पे कितना मज़ा आएगा उन्हें। अबाउट अ माइल डाउन द रोड, मोल कोक्ड हिज हेड एज इफ लिसनिंग फॉर समथिंग, और थोड़ी देर चलने के बाद मोल अपने कानों को थोड़ा नज़दीक लाता, जैसे वो कुछ सुन पा रहा था। व्हाट्स दैट साउंड, ही आस्क्ड। फ्रॉम फार इन द डिस्टेंस दे कुड हियर अ साउंड दैट वाज मच लाइक द ड्रोनिंग ऑफ बीज, और कहीं दूर से उन्हें एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो कि लग रहा था जैसे कि भौड़ों के मंडराने की आवाज़ है। ग्लैंसिंग बैक दे सॉ अ स्मॉल क्लाउड ऑफ डस्ट, उन्होंने देखा स्मॉल क्लाउड ऑफ डस्ट एडवांसिंग ऑन देम एट इनक्रेडिबल स्पीड, एक धूल का गुब्बार उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता आ रहा था। अ फेंट पूप पूप वेल लाइक एन अनईजी एनिमल इन पेन, डिसरिगार्डिंग इट दे टर्न टू रिज्यूम देयर कन्वर्सेशन, इस बात पर ध्यान दिए बिना वो अपनी बात को चालू रखते हैं। व्हेन इन एन इंस्टेंट द पीसफुल सीन वॉज चेंज्ड, अब जो पीसफुल सीन था वो बदल चुका था। विथ अ ब्लास्ट ऑफ विंड एंड अ वर्ल्ड ऑफ साउंड, बिल्कुल अब हवा के तेज झोंके आ रहे थे। एंड इट वॉज ऑन देम, अब ये बिल्कुल उनके ऊपर था। द स्टार्टल्ड ऑक्यूपेंट्स जम्प्ड आउट ऑफ द कैरावान इन हेस्ट, वाइल द पूप पूप रैंग विद अ ब्रोजन शाउट इन देयर ईयर्स, एंड द मैग्निफिशेंट मोटर कार विद इट्स पायलट टेंस एंड हगिंग द व्हील फ्लंग एन एनवेलपिंग क्लाउड ऑफ डस्ट दैट ब्लाइंडेड एंड एनरैप्ड देम अटरली एंड देन ड्विंडल्ड टू अ स्पेक इन द डिस्टेंस। तो होता क्या है कि एक पीछे से मोटर कार आ रही होती है, जब वो अपने कैरवा में बैठे होते हैं तो ये तीनों ही अपने कैरवा से बिल्कुल जंप कर जाते हैं, और तभी वो देखते हैं कि पूप पूप करता हुआ एक कार, एक मोटर कार बड़ी तेज़ी से उनके सामने से गुजर जाता है, जिसमें कि पायलट टेंस एंड हगिंग द व्हील, जिसमें कि जो पायलट था वो बिल्कुल पकड़े हुए अपने स्टीयरिंग व्हील को, और बिल्कुल हवा की रफ्तार से बिल्कुल उन्हें पास करता हुआ निकल पड़ता है। द ओल्ड ग्रे हॉर्स इन अ न्यू सिचुएशन सच एज दिस, और जो बेचारा बूढ़ा घोड़ा था वो इस सिचुएशन में अब से पहले कभी नहीं आया था। सिंपली अबंडन हिमसेल्फ टू हिज फियर, और वो बिल्कुल अपने डर पे अकेला छोड़ दिया गया था। जो घोड़ा उस कैरावान को खींच रहा था वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था, बिकॉज ऑल थ्री हैड जंप फ्रॉम दैट कैरावान। रियरिंग प्लंगिंग बैकिंग स्टेडली इन स्पाइट ऑफ रैटीज एफर्ट्स टू काम हिम, ही ड्रोव द कार्ट बैकवर्ड्स टूवर्ड्स अ डीप डिच एट द साइड ऑफ द रोड। इट वेवर्ड एन इंस्टेंट, देन देयर वॉज अ हर्ट ट्रेंडिंग क्रैश एंड द कैनरी कलर्ड कार्ट, देयर प्राइड एंड देयर जॉय, ले ऑन इट्स साइड इन द डिच एन इररिडीमेबल रेक। और एक ऐसी गलती हो चुकी थी, एक अपूर्णीय क्षति हो चुकी थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने कैरवा को पीछे की तरफ खींचा तो वो घोड़े की संभाल से बाहर हो गया और लुढ़क कर जाकर गिर पड़ा और बिल्कुल टूट पड़ा। दैट कैनरी कलर्ड कार्ट। रैटी एंड मोल लुक्ड एट टोडी इन डिसमे, और रैटी और मोल दोनों ही टोडी की तरफ उदास होकर देख रहे होते हैं, उसके ड्रीम कार्ट की तरफ। द एम्बॉडीमेंट ऑफ एडवेंचर ले शैटर्ड इन द डस्ट, और वो दोनों ही उस कारवा को देख रहे होते हैं जो कि टोडी के लिए एम्बॉडीमेंट ऑफ एडवेंचर था, जिस पे कि वो दुनिया भर का चक्कर काटता और खूब सारी मस्ती करता। दैट वॉज जस्ट द एम्बॉडीमेंट ऑफ एडवेंचर, वो सबके सामने धूल में पड़ा था। सो
हियर वी सी कि किस तरीके से जो टोडी का एक बॉयस्ट्रस बिहेवियर था, घमंडी और थोड़ा दिखावे वाला बिहेवियर था, किस तरह से वो धूल में मिला हुआ था, दैट फॉर्म्स द बेसिक सब्जेक्ट ऑफ द चैप्टर. कैरेक्टर्स आर थ्री. अपार्ट फ्रॉम देम देर इज अ ओल्ड हाउस, देन अ कारवां, जिप्सी कारवां, एंड लास्टली अ हॉर्स, ओल्ड ग्रे हॉर्स. The story is taken and abridged from The Wind in the Willows by Kenneth Graham, who was a Scottish writer most famous as the author of The Wind in the Willows, a classic children's novel. So that's all for today. We will meet with some other chapter in our next class. I hope you liked it. Till then, thanks and goodbye.